सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। और जो है कल आपकी क्लास नहीं चल पाई थी एयरफोर्स वाली, लेकिन आज से आपकी सारी क्लासेस चलेंगी और सत्यम सर की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार था वो सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं, अब केवल आपकी क्लासेस चलना बाकी हैं दोस्तों। तो सारी क्लासेस आपको सही टाइम पर मिलेगी जिस टाइम पर मिलती थी। और आपको जो है एयरफोर्स की क्लास जो है आज के बाद, मतलब कल आपकी एब्सेंट थी लेकिन अब कभी भी एब्सेंट नहीं होगी दोस्तों। डेली आपकी क्लास चलेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। किसी भी प्रश्न में अगर आपको समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। जो मैं पढ़ाता हूँ इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। जो भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों। और जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास ट्वेल्थ का 90% भाग जो है आपका एयरफोर्स में पूछा जाता है दोस्तों। तो क्लास ट्वेल्थ की जो क्लास चला करे उसको भी आप टाइम निकाल के देखा कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइव ही देखा करें, आप बाद में भी आ करके देख सकते हैं दोस्तों। तो जो टाइम टेबल है मैं शीघ्र ही टाइम टेबल बताऊँगा कि किस क्लास का कौन सा टाइम रहेगा और कितने बजे से चलेगी दोस्तों। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल अर्थात पिछले क्लास में हमने मैथ का कुछ क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर मतलब कि प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ। और सेट नंबर एक का जो बचा हुआ भाग था मैं उसी पर आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो उसका बचा हुआ भाग है वो क्या है। 30, जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके थे। आज हम उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। 31 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा होगा दोस्तों। उसमें लिखा हुआ है कि यफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर हो तो यफ के डोमेन और रेंज बताइए दोस्तों। यही है डोमेन और रेंज बताइए, यही दो चीज बताना है हमको दोस्तों कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। जितने लोग हैं जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखिए, चूंकि हमको पता है, दिया गया है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों। तो जो डोमेन होता है, एक बार आप शेयर करिए, मैं देख रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, मैं देख रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जो डोमेन होता है आपका, अगर कहीं पर यक्स कामा वाई लिखा हुआ है तो जो यक्स होता है वो आपका डोमेन होता है और जो वाई होता है वो आपका रेंज होता है। तो दोस्तों यक्स और वाई यही आपका डोमेन और रेंज है। लिखा हुआ है कि यफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स, यहां पर जो यक्स का मान होगा दोस्तों, इसमें जो है अर्थात डोमेन जो होगा वो आप यक्स का मान होता है दोस्तों। और यक्स का मान, चूंकि यक्स है तो यहां पे यक्स है, तो यक्स जो है सभी वास्तविक मान के लिए सत्य है दोस्तों। वास्तविक मान के लिए सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये क्यों कह रहे हैं कि सभी वास्तविक मान के लिए सत्य है। तो दोस्तों जब यक्स है, यहाँ पे यक्स का मान अगर एक रखेंगे अर्थात यफ वन रखेंगे तो यहाँ पे वन का स्क्वायर हो जाएगा, यफ टू रखेंगे दोस्तों तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, यफ थ्री रखेंगे दोस्तों तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप माइनस में रखेंगे दोस्तों, माइनस एक रखेंगे तब भी एक ही आएगा, माइनस दो रखेंगे तब भी चार आएगा, अर्थात निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए यक्स जो है अर्थात इसका जो डोमेन है, डोमेन आपका हो जाएगा आर दोस्तों। डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे मैंने आर लिख दिया? दोस्तों जब आप कोई भी रियल नंबर इसमें रखें, यक्स यहां पे कोई भी आप रियल नंबर रखें तो वो सदैव आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। यही चीज इसमें कह रहा था दोस्तों कि यदि यफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर हो तो आप डोमेन और रेंज बताइए दोस्तों। अब देखिए, अतः इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर अभी हम इसका रेंज निकालें,
क्या निकालें दोस्तों, अगर हम इसका रेंज निकालें दोस्तों, तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो इसमें हमको दोस्तों मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, जो यक्स है एफ यक्स है इसी को आपको वाई मानना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा वाई बराबर यक्स स्क्वायर दोस्तों, वाई बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और यहां से जब यक्स का मान निकालेंगे आप, तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई दोस्तों, यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई। कहीं भी कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट देखता रहता हूं दोस्तों। कहीं भी समस्या हो तो तुरंत आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, वाई बराबर यक्स स्क्वायर, इसमें हम मान लेंगे कि एफ यक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर यक्स स्क्वायर। यहां से यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, तो प्लस माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वाई का मान एक रखें, पॉजिटिव रखें, अगर आप वाई का मान पॉजिटिव रखेंगे, एक रखेंगे तो आपको एक मिलेगा, दो रखेंगे तो अंडर रूट दो मिलेगा, तीन रखेंगे दोस्तों तो तीन मिलेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अगर भी माइनस एक रख दें, सुनिएगा, अगर आप y की जगह माइनस एक रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट माइनस एक आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपका काल्पनिक मान है। अर्थात ये आपका माइनस में हो गया, और माइनस का जब करेंगे आप तो हो जाएगा i, इसका मान होता है i दोस्तों, ठीक। तो इसलिए जो दोस्तों ये माइनस वाली संख्या नहीं होगी, अर्थात जो y होगा वो हो जाएगा r प्लस, अर्थात पॉजिटिव नंबर हो जाएगा दोस्तों, और पॉजिटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो वही चीज है, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, r पॉजिटिव। तो दोस्तों यही पूछ रहा था, डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन आपका आर हो जाएगा, रेंज आपका आर पॉजिटिव हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। और देखिए कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर तीन। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर तीन आपका सही है, आंसर नंबर तीन में यही चीज दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि अंडर रूट 7 माइनस 24 आई बराबर वाट। अब हमको इसी का मान निकालना है। जब भी आपको इस तरह की संख्या मिल जाए जिसमें आई मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, आई मिल जाए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये आपका ए प्लस आई बी के रूप में लिखा है दोस्तों, ये आपका अंडर रूट ए प्लस आई बी के रूप में लिखा है, और इसका मान होता है दोस्तों यक्स प्लस आई वाई। दोस्तों अगर आपको कहीं a प्लस आई बी का रूप दिख जाए तो इसका जो मान होता है प्लस माइनस x प्लस आई वाई होता है दोस्तों। अब देखिए आपको a का मान कितना दिए हैं दोस्तों, 7, और b का मान कितना दिए हैं दोस्तों, 24, और 24 किसमें है दोस्तों, देख रहे हैं कि 24 आपका जो b का मान है वो कितना है, 24 है। एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, हाँ ठीक है दोस्तों, 7 माइनस 24 आई एकदम सही है, 7 माइनस 24 आई ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब देखिए, तो a माइनस, अर्थात जब यहाँ माइनस रहेगा दोस्तों तो यहाँ माइनस रहेगा, जब यहाँ प्लस रहेगा दोस्तों तो यहाँ प्लस रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें जब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात हमको x का मान और y का मान चाहिए। सूत्र होता है दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न मिल जाए, अंडर रूट ए माइनस आई बी या अंडर रूट ए प्लस आई बी, जब इस तरह का फार्मूला मतलब इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, तो यक्स का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान टू घात 1/2, और वाई बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपान टू, यही होता है दोस्तों सूत्र। अब हमको देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जरूरत पड़ रहा है इसमें, तो सबसे पहले आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए दोस्तों। तो अंडर रूट ए, ए का मान है 7, और 7 × 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 49, प्लस बी, बी का मान है 24, 24 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 24 हमें दोस्तों 576, तो अंडर रूट इसको जब जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा दोस्तों, और 625 का मतलब 25। किसी को कहीं भी थोड़ी भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 25, अब इसमें मान रख दीजिए, तो यक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 7 प्लस 25 बटे 2 की घात 1/2, और वाई का मान आ जाएगा दोस्तों
25 माइनस 7 बटे 2 की घात 1 बटे 2। कहीं दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा दोस्तों। 25 7 7 5 12 32 और 32 बटे 2 यानी कि 16 दूनी 32, 16 की घात 1 बटे 2 दोस्तों। और y का मान आ जाएगा 25 में से 7 घटाइए आप 18, 18 को जब 2 से भाग दे गए तो 2 9 18, 9 की घात 1 बटे 2। अर्थात x बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 और y बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9। अब हमको क्या निकालना था दोस्तों, यही चीज निकालना था, अंडर रूट ए माइनस आई बी। ये बराबर क्या होता है, बराबर होता है प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस आई वाई। तो यक्स का मान कितना है 4 और माइनस आई और वाई का मान 3 है, तो 4 माइनस 3 आई, यही आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी समस्या हो तो तुरंत बताइएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों कि किसी एपी का यमवा पद 1 बटे यन है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी दोस्तों, यमवा पद दिया गया है 1 बटे यम, ठीक, यमवा पद 1 बटे यन है और यनवा पद अगर श्रेणी का आपको पढ़ना है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, नीचे चैनल लिखा होगा द स्पीड स्टडी, उस पर क्लिक करिए, उसको ऐसे नीचे सरकाइएगा दोस्तों, तो नीचे लिखा होगा क्लास टेंथ मैथ, उस पर क्लिक करिएगा, श्रेणी पूरा विस्तार में मैंने बताया है दोस्तों। तो देखिए टीएम बराबर आपको दिया है 1 बटे यन, कह रहा है यमवा पद 1 बटे यन तथा यनवा पद 1 बटे यम हो, और यनवा पद 1 बटे यम हो तो यमयन पदों का योग क्या होगा, यमयन पदों का योग क्या होगा, अर्थात यस यमयन बराबर व्हाट। कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों, आपको केवल दो सूत्र पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी का यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, और समांतर श्रेणी के यन पदों का योग बराबर होता है यन बटे दो ए प्लस यन माइनस वन इंटू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों यही दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला है और समांतर श्रेणी के यन पदों के योग का फार्मूला है दोस्तों, यही दो फार्मूला पता होना चाहिए बस। मैंने कहा कि फार्मूले के लिए कैपिटल बना लीजिए, उसमें आप फार्मूला लिखते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले निकालते हैं टी यम अर्थात यमवा पद, तो हमको पता है कि ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे यन। जब यहां पर आपका यन था तो यहां पर अर्थात देखिए दोस्तों आपको इस तरह समझने में दिक्कत होगी दोस्तों, टी यम बराबर ए प्लस, जब यहां पर यन था तो यहां पर यन था, जब यहां पर यम होगा तो यहां पर यम हो जाएगा दोस्तों, तो ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी। टी यम बराबर दोस्तों एक बटे यन है बराबर ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी, समीकरण एक। इसी तरह दोस्तों टी यन आपको दिया गया है तो टी यन हो जाएगा दोस्तों ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, तो इसका मान है एक बटे यम बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, समीकरण दो। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, ये दो फार्मूला है और यही दो फार्मूला इसमें लगना है दोस्तों। पहले हमने दोनों चीज लिख लिया, अब देखिए अगर समीकरण एक से समीकरण दो को घटा दें दोस्तों, समीकरण एक से समीकरण दो को घटा दें तो क्या आएगा देखिएगा दोस्तों, a प्लस यम माइनस वन इंटू डी ये बराबर है एक बटे यन के, और a प्लस यन माइनस वन इंटू डी ये बराबर है एक बटे यम के। जब आप घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है दोस्तों, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या यम माइनस वन इंटू डी माइनस यन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे यन माइनस एक बटे यम। आगे देखिए दोस्तों
होगा क्या, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या यम माइनस वन माइनस यन और माइनस माइनस प्लस वन बराबर है बराबर। दोस्तों यहाँ पे आप यम यन एलसीएम ले लीजिए तो यन से यन कट जाएगा यम और माइनस यम से यम कट जाएगा दोस्तों यन आ जाएगा। अब देखिए एक से एक कट गया आपका, होगा क्या डी यम माइनस यन बराबर यम माइनस यन और बटे यम यन, इसको मैं इस तरह लिख दिया हूं दोस्तों। तो यम माइनस यन से यम माइनस यन कट जाएगा आपका। देख रहे होंगे दोस्तों कहीं भी कोई समस्या हो, ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है दोस्तों, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही होगी दोस्तों, नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही होगी, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं दोस्तों। देखिएगा यहां पे लिख दे रहा हूं आपका डी बराबर यम माइनस यन, डी यम माइनस यन बराबर यम माइनस यन बटे यम यन। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, अर्थात आएगा क्या आपका, आ जाएगा डी बराबर वन अपान यम यन। डी का मान तो आपको मिल गया, आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है यस यम यन, अर्थात आपको ए का मान चाहिए दोस्तों और आपको डी का मान चाहिए। तो ए का मान निकालना है, डी का मान मिल गया, तो चाहे आप समीकरण एक में रख दीजिए डी का मान, चाहे आप समीकरण दो में रख दीजिए डी का मान, आपका ए का मान निकल आएगा। तो चलिए हम समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक में डी बराबर वन अपान यम यन रखने पर, तो जब आप यहां पे रखेंगे तो वन अपान यन बराबर ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी। अब देखिए दोस्तों वन अपान यन बराबर ए प्लस, इसको जब अंदर शामिल करेंगे दोस्तों तो यम अपान यम यन माइनस वन अपान यम यन, यम से यम कट जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा वन अपान यन बराबर ए प्लस वन अपान यन माइनस ए अपान ये। अब देखिए दोस्तों ए माइनस वन अपान यम यन बराबर जीरो आ गया, ए माइनस वन अपान यन यन बराबर जीरो, तो यहां से ए का मान भी आ जाएगा आपका वन अपान यम यन, दोनों चीज मिल गया दोस्तों। डी का मान तो आपको लिखा ही है और ए का मान भी आप पा गए, ए का मान कितना पा गए वन अपान यम यन। एक बार आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर से मैं मिटाऊं और अब आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि लंबा है, लंबा नहीं है दोस्तों, जब आप एक दो बार लगाएंगे जहां आप चार पांच सेट सॉल्व कर लिए वहां आपको ये फिर हवा लगेगा दोस्तों। मैं मिटाल दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, अर्थात आपको दो मान मिला, एक तो मिल गया दोस्तों ए बराबर वन अपान यम यन, एक मिल गया डी बराबर वन अपान यम यन, निकालना है दोस्तों यस यम यन बराबर, चूंकि क्या है देखिएगा यन रहेगा तो यहां पे यन, यहां यम यन है तो यहां यम यन बटे दो। अब देखिएगा दोस्तों टू ए प्लस, जब यहां पे यन था तो यहां पे यन था, जब यहां यम यन है तो यहां यम यन हो जाएगा दोस्तों, बस ए का मान और डी का मान रख दीजिए दोस्तों, यम यन बटे दो और यहां पे टू अपान यम यन प्लस यम यन माइनस वन इंटू वन अपान यम यन। दोस्तों देख रहे होंगे यम यन इसमें भी है, यम यन इसमें भी है, यम यन कॉमन ले लीजिए बटे में, तो बटे दो यम यन, यम यन दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा टू प्लस यम यन माइनस वन, यम यन से दोस्तों यम यन कट जाएगा। अब आंसर देखिए किस हिसाब से आ रहा है दोस्तों, आंसर देखिए, तो आंसर आ रहा है एक बटे दो है, एक बटे दो लिख लीजिए दोस्तों, टू प्लस यम यन माइनस वन, अब इसको घटा देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा वन अपान टू वन प्लस यम यन, यही आ जाएगा आंसर, और अर्थात जो आंसर नंबर दो है, आंसर नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो, अगर लग रहा हो कि हाँ सर जी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपकी क्लासेस दोस्तों अब डेली चलेंगी।
एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए कम से कम मैं देखूं कि कौन कौन ऑनलाइन है। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन लाइव देख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों। कह रहा है शब्द लाफ्टर LAUGHTER दोस्तों लिखा है लाफ्टर। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है, आप दिखेगा। लिखा है दोस्तों लाफ्टर शब्द में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, स्वर हमेशा साथ रहे तो इसमें कितने ऐसे हैं जो स्वर हैं दोस्तों, तो ये स्वर है, ये स्वर है और ये स्वर है। तीन स्वर हैं आपके पास दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये तीनों स्वर पास में रहें, अर्थात ए यू और ई, ये तीनों एक साथ रहें और आपके बदलने वाले शब्द कौन से हैं, यल जी यच टी आर। जी हाँ दोस्तों, अर्थात एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हैं, पाँच ये है, तीन ये है दोस्तों। अब चूंकि देखिए कह रहा है कि लाफ्टर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है कि स्वर हमेशा साथ रहे, तो अगर स्वर हमेशा साथ रहेगा दोस्तों तो ए यू ई यही रहेगा और बाकी ये, तो देखिए एक दो तीन चार पांच और ये पूरा एक शब्द माना जाएगा तो छः। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन पूरे अक्षरों को दोस्तों छः तरीके से बदला जा सकता है, अर्थात छः का फैक्टोरियल। अगर अभी यहां पर कोई शर्त न दी गई होती, केवल यही लिख दिया हो गया होता कि लाफ्टर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों, तो टोटल आठ था, तो टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों, तो आठ का फैक्टोरियल। लेकिन इसमें शर्त दे दिया गया कि स्वर हमेशा पास में रहे, तो दोस्तों ए यू ई अर्थात ये तीनों पास में रहेंगे, तो ये तीनों पास में रहने का इस तरह भी तो तरीका हो सकता है दोस्तों, यू ई ए या फिर दोस्तों ई ए यू, ये भी तो हो सकता है। अर्थात ये तीन शब्द जो हैं ये तीनों आपस में बदल सकते हैं, तो अर्थात छः का फैक्टोरियल इंटू तीन का फैक्टोरियल जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चूंकि क्यों ऐसा किया हमने, ये तीनों आपस में बदल सकते हैं दोस्तों, ये तीनों रहेंगे एक साथ लेकिन आपस में बदल सकते हैं, तो इसीलिए तीन का फैक्टोरियल और छः के फैक्टोरियल का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा छः गुड़े पाँच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक और गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक, ये तीन का फैक्टोरियल हो गया दोस्तों और ये छः का फैक्टोरियल हो गया दोस्तों। जब इसको आप गुणा करेंगे तो देखिएगा, दो तिहाई छः दूनी बारह, बारह चौबीस बारह छत्तीस, छत्तीस इंटू चार करेंगे दोस्तों, छत्तीस इंटू चार करेंगे तो चार छः चौबीस, चार हसलगन दो, चार तीन बारह, दो चौदह, एक सौ चौवालीस और एक सौ चौवालीस इंटू पाँच करेंगे दोस्तों, पाँच चौबीस की जीरो हसलगन दो, पाँच चौबीस दो बाईस की दो, पाँच दिखा पाँच दो सात, सात सौ बीस और सात सौ बीस इंटू छः करेंगे दोस्तों, छः दूनी बारह दो हसलगन एक, छः सत्तर बयालीस एक तैतालीस, चार हजार तीन सौ छब्बीस। जी हाँ दोस्तों, चार हजार तीन सौ छब्बीस नहीं दोस्तों, चार हजार छः जीरो में जीरो, चार हजार तीन सौ बीस, अर्थात जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4320, ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा। कहीं समस्या हो दोस्तों बताइए। याद रखिएगा, अभी इसमें कोई कंडीशन ना दी गई होती, सिर्फ यही कहा जाता कि लाफ्टर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों, तो आठ का फैक्टोरियल हो जाता, जितनी गिनती है गिन लीजिए, उसका फैक्टोरियल कर दीजिए। अब चूंकि इसमें कह दिया गया कि स्वर एक साथ हो, तो इसका मतलब ये पूरा तीन मिलकर के एक शब्द बन गया, तो पांच ये था एक छह, अर्थात छह शब्द हैं, तो छह का फैक्टोरियल और ये तीन आपस में बदल सकते हैं, इसलिए तीन का फैक्टोरियल। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, लिखा हुआ है लॉग लॉग बेस 9 27 प्लस लॉग बेस 8 32 बराबर 40। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है सर,
यही प्रश्न है दोस्तों, और ये आपको निकालना है। मैं यहाँ पे एक पाई खींच दूँ ताकि ये आपकी बाउंड्री लाइन रहेगी, ठीक। यही प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए, इसमें आपको केवल एक सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, और वो सूत्र क्या है, वो लॉग का सूत्र है दोस्तों। अगर कहीं पर, जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर लॉग बेस यम की पावर एन, लॉग बेस यम की पावर एन बराबर कुछ लिखा हुआ है पी, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यम का पावर पी जो है ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा यन के। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यम की पावर पी बराबर हो जाएगा दोस्तों यन के, ठीक। वही चीज यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी का मान निकालना है। इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, लॉग नौ बेस नौ 27, इसको बराबर आप यक्स मान लीजिए दोस्तों, तो होगा क्या, इसी तरह 9 की पावर यक्स दोस्तों ये बराबर हो जाएगा 27 के, 9 की पावर यक्स बराबर 27 के हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह आप मान लीजिए लॉग 8 32, ठीक, लॉग 8 32 ये बराबर जो है वाई के मान लीजिए दोस्तों, और ये बराबर y मान लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 की पावर y ये बराबर हो जाएगा 32 के। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों बताइएगा। 9 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, यक्स है यक्स। 27 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 की घात 3। इसी तरह 8 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 2 की घात 3। 32 की जहां क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 2 की घात 5। दोस्तों जब यहां तुलना करेंगे तो 2x बराबर 3 और यहां पे 3y बराबर 5 मिल जाएगा। यक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 3/2 और वाई का मान आ जाएगा दोस्तों 5/3। किसी को कहीं भी समस्या हो इसमें तो बताइए दोस्तों। अब देखिएगा यक्स का मान क्या है, यक्स और वाई का मान मिल गया, इसका मतलब ये और ये, इसका मान कितना मिल गया, अर्थात लॉग बेस 9 27 ये बराबर 3/2 और लॉग बेस 8 32 बराबर 5/3 दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोनों मान हमको मिल गया और यही मान उठा के जब इसमें रख देंगे तो मान हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/2 + 5/3, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 9 और +3 × 6 = 25 = 10, अर्थात 19/6, यही आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं यही हो जाएगा आपका सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं यही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। 36 क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनके शीर्ष बिंदु इतने 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 से हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो दोस्तों, तो अगर उसके 3 बिंदु हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर दोस्तों इस तरह है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दिया जाए तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है दोस्तों फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों यही होता है। अब इसमें हमको 3 चीज दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 1, -2 -3, -4 और 5, -6 दोस्तों। इसका मतलब कि x1 का मान 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 का मान 1,
वाई वन का मान माइनस दो, यक्स टू का मान माइनस तीन, वाई टू का मान चार, यक्स थ्री का मान पांच, वाई थ्री का मान माइनस छ। अब सूत्र लिखना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र आप अपने कैपिटल में लिख लीजिएगा दोस्तों, एक बटे दो। अब देखिएगा यक्स वन, यक्स वन का मान एक, वाई टू माइनस वाई थ्री यानी कि चार प्लस छ, प्लस यक्स टू, यक्स टू का मान माइनस तीन है दोस्तों तो माइनस तीन, फिर वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री माइनस वाई वन तो ये प्लस दो हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद फिर प्लस यक्स थ्री और वाई वन माइनस वाई टू यानी कि माइनस टू माइनस फोर। कहीं भी किसी को भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने कैपिटल में लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सूत्र जो है इसको आप अपने कैपिटल में लिख लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों, एक बटे दो, छः चार दस हो जाएगा दोस्तों, माइनस तीन और चार दो छः माइनस चार, प्लस पाँच और चार दो छः दोस्तों, तो एक बटे दो, दस माइनस माइनस प्लस तीन चौक बारह और माइनस पाँच छः तीस दोस्तों, तो दस दस बीस दो बाईस यानी कि एक बटे दो, बाईस माइनस तीन तो ये हो जाएगा एक बटे दो, और बाईस में से तीस घटा दीजिए दोस्तों माइनस आठ। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, माइनस चार। लेकिन आप जानते होंगे कि जो क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं होता, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा चार वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इसका जो सही ऑप्शन है अर्थात ऑप्शन नंबर दो इसका सही ऑप्शन है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है तथा जिसकी ढाल 3 है। जी हाँ दोस्तों, बिंदु 2,3 से होकर जाती है और जिसकी ढाल जो है वो 3 है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अगर आपका दिल करे कि हाँ शेयर करना चाहिए, अच्छा है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोत्साहन है। तो दोस्तों देखिएगा, ढाल का मतलब होता है दोस्तों प्रवणता, और जिसको आप यम से लिखते हैं। तो एक चीज़ आप एक सूत्र लिख लीजिए, बिंदु यक्स कामा वाई से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जी हाँ दोस्तों, बिंदु यक्स कामा वाई से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, उसका जो सूत्र होता है दोस्तों यही होता है, y माइनस वाई वन बराबर यम यक्स माइनस यक्स वन। तो जब हम यहां पे करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा y माइनस, अब चूंकि जो बिंदु दिया गया है दोस्तों ये यक्स वन वाई वन है, तो y माइनस वाई वन बराबर यम और यक्स माइनस यक्स वन दोस्तों, वही फार्मूला, चूंकि मैं यहां फार्मूला नहीं लिख रहा हूं यहां पर लिख दिया हूं, तो देखिए y माइनस थ्री बराबर तीन इकन्नम तीन एक्स और माइनस तीन दूनी छः, तो दोस्तों तीन एक्स ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, ये छः इधर चला जाएगा दोस्तों छः माइनस तीन, या फिर तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, यही चीज़ हमको निकालना था दोस्तों। कह रहा था कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर चार, ये तीन को जब बराबर के इधर लाएंगे दोस्तों तो माइनस तीन बराबर जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चार है आपका। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तुरंत कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन आज हमको पढ़ने हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है वृत्त यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आठ यक्स माइनस चार वाई बराबर पांच की त्रिज्या क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आठ यक्स माइनस चार वाई बराबर पांच की त्रिज्या क्या होगी।
देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का मिल जाए, मैं आज शाम को ही या कल जो है आपको एक वीडियो दे दूंगा दोस्तों, जो कि आपका संकु परिच्छेद चैप्टर का रहेगा। उसमें पूरा मैं बता दूंगा, जिसमें आपका परवलय, अति परवलय, दीर्घ वृत्त, वृत्त, ये सारी चीजें, और इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा दोस्तों। देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये आपका जो मानक समीकरण है दोस्तों, मानक समीकरण यही है जो ऊपर समीकरण दिया गया है दोस्तों, उसको पहले इस रूप में लिखिए और इस रूप में लिख करके तुलना करा लीजिए दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × माइनस 4 × यक्स, या माइनस 4x भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, 4 × 8 माइनस 8, फिर से यही चीज आ जाएगी दोस्तों, और प्लस 2 × −2y, और ये सी इधर आएगा, यानी कि माइनस या फिर प्लस और माइनस 5 = 0। तो देखिए, हमने उसी क्रम में लिख लिया, तो यहां से क्या देख रहे हैं दोस्तों, g का मान −4, f का मान −2 और c का मान −5। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद जो केंद्र का सूत्र होता है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा इसको दोस्तों, जो केंद्र का सूत्र होता है −g − f, और जो त्रिज्या का सूत्र होता है, दो सूत्र होता है दोस्तों, एक आपका केंद्र का सूत्र होता है, एक आपका त्रिज्या का सूत्र होता है, तो g² + f² − c, यही दो फार्मूला है दोस्तों। तो चूंकि हमको कह रहा था त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, अगर भी इसी में केंद्र भी कहता तो केंद्र के लिए ये लिखते, लेकिन त्रिज्या कह रहा है तो √g² + f² − c। तो g का मान है 4, माइनस में है, f का मान है −2 और −c का मान है −5। तो 4 × 16, 2 × 4 और +5, तो 16 × 4 = 20, 5 = 25, और 25 का मतलब 5 मात्रक। जी हाँ दोस्तों, तो चूंकि कह रहा था त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं भी समस्या हो बताइएगा, सबसे पहले जो मानक समीकरण है उस रूप में इसको बना लीजिए, और मानक समीकरण यही है, ठीक, इसको आप लिख लीजिए इसी के पहले कि वृत्त का मानक समीकरण, उसके बाद इसको लिख लीजिए, फिर केंद्र का सूत्र लिख लीजिए, त्रिज्या का सूत्र लिख लीजिए। और अगर मजा आ रही है दोस्तों, तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए कि कितना मजा आ रही है, और आप लोगों ने कितने लोगों को शेयर किया। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं दोस्तों, और क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे जो हैं 2, −3 और 1, −4 हैं। व्यास के सिरे 2, −3 और 1, −4 है। मैंने कहा दोस्तों, संकु परिच्छेद से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और पिछला मैंने 3 क्वेश्चन बताया, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके संकु परिच्छेद चैप्टर के हैं। तो संकु परिच्छेद आपका पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको व्यास के सिरे का निर्देशांक दिया गया है दोस्तों, और जब व्यास के सिरे का निर्देशांक दिया गया रहे और कह दिया जाए कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो समीकरण का जो सूत्र होता है दोस्तों, x − x1, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको व्यास का सिरा दिया रहे और कह दिया जाए समीकरण ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो x − x1 x − x2 प्लस y − y1 और y − y2 दोस्तों, यानी कि x − x1 x − x2 प्लस y − y1 y − y2 बराबर जीरो, ठीक, ये है आपका इसका क्या, यही है आपका फार्मूला दोस्तों, यही है आपका फार्मूला। मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, सही करता हूं दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, जो फार्मूला होगा दोस्तों, x − x1
यक्स माइनस यक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। यही है दोस्तों फार्मूला। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको। तो देखिए यक्स वन वाई वन यक्स टू वाई टू, मान रखिए यक्स माइनस यक्स वन और यक्स माइनस यक्स टू, ठीक, प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। तो इसका इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस, और यक्स गुणे एक करेंगे तो एक यक्स, माइनस दो इकन्नम यक्स करेंगे दो यक्स, माइनस माइनस प्लस दो, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई प्लस तीन चौक बारह बराबर जीरो। दोस्तों तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो एक तीन यक्स, चार तीन सात वाई और प्लस बारह दो चौदह बराबर जीरो। यही आ जाएगा दोस्तों वृत्त का समीकरण। तो क्या पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन देखिए कोई ऑप्शन मिलता है कि नहीं दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए सही किया हमने कि नहीं। दो है और बारह है, दो हो जाएगा प्लस में और बारह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों वाई माइनस वाई टू, वाई टू का मान माइनस चार है, यही है ना, देख लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ फिर से, आप लोग भी देख लीजिए। एक कामा चार है दोस्तों, ये एक कामा चार है, तो एक कामा जब चार रहेगा दोस्तों तो वाई माइनस वाई वन अर्थात यहाँ पे माइनस चार होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस चार वाई और ये हो जाएगा माइनस बारह। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस चार वाई अर्थात माइनस वाई हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे माइनस दस हो जाएगा। ये है अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अति परवलय यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36 के नियता का समीकरण क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36 के नियता का समीकरण क्या होगा दोस्तों। आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ठीक है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप में मिल जाए तो यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप में दो चीज होता है, यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर एक, और एक होता है यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर एक। दो चीज होता है दोस्तों, ठीक, एक तो ये होता है और एक ये होता है। प्रश्न में कह रहा था कि अति परवलय, तो इसका मतलब कि ये जो दिया गया है ये क्या है, अति परवलय है। तो अति परवलय की जगह अति परवलय में माइनस रहता है दोस्तों, और दीर्घ वृत्त में बीच में प्लस रहता है। तो अगर यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर इस तरह के दिख जाए तो यहां पे बराबर एक करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो जब आप बराबर एक करेंगे तो अर्थात यक्स स्क्वायर बटे 36 माइनस वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर एक। कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए। इसका मतलब कि यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर जब इससे तुलना करेंगे दोस्तों तो ए का मान आ जाएगा 6 और बी का मान आ जाएगा 6, क्योंकि ए का मान यहां पे बी है, यहां पे बी है, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये चीज है दोस्तों, ए का मान 6 है बी का मान 6 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, कह रहा है नियता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ए और बी को देखना है कि कौन सा बड़ा है दोस्तों, अब चूंकि बराबर है तो इसीलिए चाहे आप ए का फार्मूला लगाइए चाहे बी का, तो बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई माइनस एक। तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग ई माइनस वन, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक, आ जाएगा 0 बराबर ई माइनस वन। तो यहां से ई का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका जो ई का मान है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये इस तरह नहीं कटेगा, आप गलत कर दिया, आपने कोई कमेंट भी नहीं करना है कि सर कैसे 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट गया। दोस्तों 6 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर ई माइनस वन, तो ये इधर आएगा दोस्तों बटे में आएगा, अर्थात 6 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर ई माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ई बराबर
ये कट जाएगा 1+1, यानी कि e का मान आ जाएगा दोस्तों 2, e का मान 2 आ जाएगा दोस्तों। कहीं समस्या हो दोस्तों तो बताइए, e का मान 2 आ जाएगा। और जो आपका फार्मूला है, फार्मूला आप इसको सही कर लीजिए दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये है फार्मूला आपका। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो ई स्क्वायर बराबर 2, तो ई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि के नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको दोस्तों, नियता का समीकरण ज्ञात करना है। और नियता का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप ए अपान ई का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ए अपान ई का मान निकालिए। तो ए अपान ई का मान क्या हो जाएगा, पहले देखिए ए अपान ई का मान, ए का मान है आपके पास 6 और बटे ई का मान है अंडर रूट 2, प्लस माइनस 6 अपान रूट 2। तो जो सूत्र होता है नियता का, नियता का समीकरण होता है वो यक्स प्लस माइनस ए अपान ई बराबर 0। तो यक्स प्लस माइनस 6 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√2 इंटू रूट 2 बटे रूट 2 बराबर 0, अर्थात यक्स प्लस माइनस 3√2 बराबर 0, यही आ जाएगा आंसर। अर्थात जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, आज हमने 40 क्वेश्चन तक देख लिया। अब बचे हुए जो भाग क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपकी क्लासेस अभी थोड़ा 1-2 दिन की समस्या है, बस 1-2 दिन के बाद आपकी क्लासेस सही तरीके से चलेंगी, एकदम सही तरीके से, ठीक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।